कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के समर्थन में आ गई है। इसी के चलते नरसिंहपुर जिले के करेली में युवा कांग्रेस करेली द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें लॉकडाउन की अवधि बिजली बिल माफ करने के साथ शोरूम, होटल और मॉल इत्यादि कमर्शियल मीटरों के चार्जेस माफ करने की मांग की गई है। युवा कांग्रेस के माध्यम से इस लॉकडाउन कोरोना की व्यापक बीमारी को देखते हुए और सभी आमजन की परेशानियों को देखते हुए हम लोग ये मांग करते हैं कि ये घरेलू मीटरों को बिल्कुल पूरी तरह से जो लिया जा रहा है बिल उसको माफ़ किया जाए, और उसके बाद जो बंद पड़ी दुकानें हैं उनको पूरी तरह से मीटर बंद रही हैं तो कोई सुचारू रूप से काम हो नहीं रहा, तो उनकी बिजली बिल्कुल माफ़ की जाए। कॉमर्शियल क्षेत्र में मॉल या जो औद्योगिक क्षेत्र में जो पड़े हुए हैं तो उनको जो ST कनेक्शन दिए जा रहे हैं उनको पूरी तरह से निरस्त किया जाए, जैसे लाखों रुपए का देय शासन ले रहा है उसको पूरी तरह से माफ़ किया जाए। इन सब मांगों को लेकर आज युवक कांग्रेस एक मतलब सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए राज्य सरकार के नाम पे जेई साहब को ज्ञापन दिया है। जो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।